हमारे एक यूट्यूबर हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल के नाम से, वो यूट्यूब पे हैं। ये इनके लिए एक मैं रिलीफ तैयार करने लगा हूँ। फेस से स्टार्ट किया है और जैसे ही फेस कंप्लीट होता है तो बाकी इसके बाकी हाथ और इस कपड़े वगैरह सारे इसके मुकम्मल करते हैं और साथ साथ इसकी वीडियो बनाते जाएंगे ताकि पब्लिक को शेयर हो जाए। ये चिकनी मिट्टी के ऊपर तैयार होता है, ये स्पेशल के लिए बनाते हैं हम लोग अपने काम के लिए। प्योरीफाई होती है इसमें, कंकर मिट्टी पत्थर कुछ नहीं होता। अभी इसकी तकरीबन 75% मैंने जो सा ना इस पर काम कर ली है और जब ये कपड़ा इसके हाथ बाजू वगैरह सब फाइनल हो जाएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसको मैं सर से लेकर नीचे तक, पाँव तो है नहीं इसके, कंप्लीट करूँगा। इसकी बालों की डिटेल भी सबसे आखिर में निकलेगी क्योंकि बाल बारीक होते हैं तो क्ले अक्सर ड्राई होने से ख़राब हो जाती है। तो ये जो बारीक ड्राई है इस वक्त मेन आपका जो है ना ये फेस और पोस्चर आपका मैंने कर लिया तकरीबन, और बालों की और आँखों की और ये बारीक बारीक डिटेल आखिरी दिन जब मैं इससे डाई उठाऊँगा, इससे कास्ट निकालने के लिए उसे निकालूंगा मैं। इसमें अगर कोई कसर नज़र आए तो मुझे बता दीजिएगा। ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, मैंने इसे कल पे नहीं छोड़ा। कोई इसमें अगर आपको कमी बेशी नज़र आए तो ज़रूर बताएं। ये आपके हाथ थोड़ा सा मैंने इन्हें इम्प्रोवाइज़ किया है, मैंने आपकी उंगलियों को क्योंकि तस्वीर में बहुत छोटी और आधी आधी नज़र आ रही थी, वो मैंने यहाँ इसे कम्प्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी, ये कम्प्लीट हो गया है। हल्की फुल्की टचिंग होगी, बॉल उठाने से पहले करूँगा, तो दुआ कीजिएगा कि ये मुकम्मल हो जाए, मेहरबानी। अब ये प्लास्टर पेरिस के मोल्ड के लिए तैयार है। वैक्सिंग के बाद इस पर जेल कोट लगाया जाएगा और फिर मैट और इस तरह फाइनल कर दिया जाएगा। ये इसे अब जेल कोट का पहला कोट लगने लगा जी।
पहले हमने इसे जेल कोट किया था, अब जेल कोट हमारा ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसे लेमिनेशन करेंगे मैट के साथ और ये हमारा फाइनल प्रोसेस होगा। और इसके बाद इसको ड्राई होने देंगे और इसकी लेमिनेशन की के अंदर को मोल्ड के अंदर से निकालेंगे। इस मैट की 2 से 3 लेयरें लगेंगी, फिर जाके इसकी अच्छी थिकनेस आ जाएगी। ये 2 से 3 लेयर लग गई। अब जहाँ पे ये वाइट पैच नज़र आ रहे हैं इसे कवर करूँगा, सारा ख़त्म करूँगा। और ये अब ये हमारी कास्ट पूरी हो गई। अब इसे ड्राई होने के बाद इसे मोल्ड से रिलीज़ करेंगे। अब ये हमारा पीस मुकम्मल हो गया। इसकी कास्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब ये ड्राई होगा। इंशाल्लाह इसे कल रिलीज़ करेंगे और उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा, कास्ट अच्छी निकलेगी। आज ये हमारा पीस ड्राई हो चुका है और अब हम इसे रिलीज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने औजारों के साथ। पहले साइडों से किनारे रिलीज़ कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मोल्ड बच जाए, इसमें से एक और कास्ट निकल सकती है हमारी। ये हमारा मोल्ड का पीस रिलीज हुआ है, जैसा ये बेहतरीन हो गया काम। अब एक और कास्ट निकल आई, मेरा मोल्ड बच गया, थोड़ी बहुत रिपेयर करनी पड़ेगी। Thank you.
इट्स ऑल डन जी, ये अब पेंट हो गया फाइनल हमारा। अब इसे ड्राई होने का टाइम दे रहा हूँ मैं, इसे एंटीक कलर में ले आया हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत शेडिंग किए ताकि काम नज़र आए, कर्व्स नज़र आए, फेस के फीचर्स नज़र आए। तो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे बता दें, अभी भी इसमें काफ़ी रद्दबदल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो अभी, लेकिन मेरी तरफ़ से ये माशाल्लाह खूबसूरत बन गया। अब आपकी राय चाहिए।